इफ एनीबडी सक्सेस इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ द इम्पॉर्टेंट दैट स्किल इज इमोशन कंट्रोल. इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ. तो ये जो चैलेंज होता है मेरे लाइफ में बोलो या बहुत सारे लोगों को मैं टिल नाउ 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूँ, तो इमोशन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत चैलेंज होता है किसी के लिए कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें. एंड हाउ कैन यू ओवरकम दिस चैलेंज? हाँ, अगेन द प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को वो वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. मेडिटेशन इज़ द बेस्ट. सेकेंड इज़ द रीडिंग बुक. हर बच्चों को, आज हम मोबाइल में अटके हुए हैं बट मोबाइल से थोड़ा बाहर निकलकर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने किताबें पढ़नी चाहिए. और किताबें आज भी बहुत सस्ती है. क्यों? क्योंकि एक पर्सन वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है किताब लिखने के लिए. एंड यू कैन बाय बुक इन 200 रुपीज़ एंड इन 300 रुपीज़. तो उसके पूरे लाइफ का जो चैलेंज है, उसके लाइफ का पूरा एसेंस है, यू कैन बाय इन 200 रुपीज़. बस आपको किताब पढ़ना है एसी में बैठ के. तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए. और एक मेंटर भी आपके लाइफ में होना चाहिए. अर्जुन के लाइफ में श्री कृष्ण भगवान थे, तो हमारे लाइफ में एक मेंटर, हमारे टीचर्स, हमारे पास एक टीचर्स होने चाहिए जो हमको प्रॉपर गाइड करे. और यहाँ पर मैंने देखा, जो आज का हमारा जो इवेंट ये चल रहा है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एक्सपो, यहाँ पर मैंने बहुत बेहतरीन टीचर, बहुत बेहतरीन टूल्स मैंने यहाँ पर देखे हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ को अपग्रेड करेंगे. दैट्स ग्रेट. So and there we have it. We just had a wonderful chat with an inspiring leader who's not only shaping the future of education through thousands through hundreds of schools, but also lives by the philosophy of making your own path. Thank you. Thank you. Thank you very much.